महारानी ओ महारानी, टाइम कितना हो गया है मुझे खाने को, तुम्हारे बापू आके बना के देंगे क्या, जल्दी दो मेरे को। माँ जी मेरे पेट में जोरों की दर्द हो रही है और ऊपर से सारे बर्तन भी गंदे हैं, उसे भी धोना है। तो छोड़ो ये नखरे, तुम्हारे नखरे मैं रोज रोज की यही जानती हूँ, पेट दर्द तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो रोज रोज सारे बर्तन मेरे से ही धुलवाना है। पता नहीं इसकी माँ ने क्या खाकर इसको पैदा किए होंगे। ओ महारानी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ज्यादा लपड़ चप्पड़ मेरे सामने ना किया करो, ये तुम्हारे ससुराल है मायका नहीं है। माँ जी आप ज्यादा लपड़ चप्पड़ मत किया कीजिए, क्योंकि आपका भी ये ससुराल ही है मायका नहीं है, तो आपका क्यों चलेगा। हे भगवान पोटी करम, मेरी कितनी लंबी लंबी जबान चल रही है, आने दे मेरे पप्पू को, तेरे को रात को बताएगा। ओ बुढ़िया ज्यादा बोला मत कर, तुम्हारे पप्पू ना मेरे पास रात को पप्पी जैसा आके सो जाते हैं। माँ जी आप कुछ भी बोलो, लेकिन आप बसंती जैसी लगती है, वही चाल वही ढाल वही रंग वही रूप। अस्कर पगली अब रुलाएगी क्या, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बिल्कुल महारानी जैसी लगती हूँ ना। ओ माँ जी काहे का महारानी, वो हमारा पड़ोस में जो कल्लू रहता है उसी की कुतिया का नाम बसंती है। ओ बहू तुम भी कोई नगीना से कम नहीं, उसी के जैसे चाल उसी के जैसे ढाल और रंग रूप भी बिल्कुल उसी के ऊपर गया है, लगता है उसी की सौतेली बहन हो तुम। माँ जी इतनी भी तारीफ ना किया कीजिए, इतना भी बता दीजिए कि नगीना ये कौन है। नगीना तो वह है महारानी जो घर के पीछे बरगद के नीचे बैठी रहती है, काली नागिन बिल्कुल तुम्हारी जैसे ही बिस्सू उगलते रहती है। माननीय मोदी जी से मैं एक ही स्कीम चाहती हूँ कि कुछ ऐसा स्कीम आ जाए जो 12 रुपए सालाना लगाए और अपने बहू से दिन रात घर के सारे काम करवाए।